अमरावती जिले के चांदूर बाजार के ब्राह्मणवाड़ा थड़ी रोड पर सुबह 9 बजे के करीब आग लग गई। आग में 3 सत्रा मंडी और उसमें रखे 17 वैक्सिंग मशीन व कैरेट जलकर राख हो गई, जिसमें अंदाजन 1 करोड़ का नुकसान होने की बात बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये संतरा मंडी चांदूर बाजार के हाजी अब्दुल सलीम और अमरावती निवासी अतीक अहमद की बताई गई है। आग दिखाई देने पर वहां पहुंचे पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन ने बार बार नगर पालिका में फोन कर संपर्क किया, लेकिन वहां से एक ही जवाब आया कि हम गाड़ी भेज रहे हैं। 1 घंटा बीत जाने के बाद जब अग्निशमन की गाड़ी आग बुझाने घटनास्थल पर पहुंची तो उसमें केवल कुछ बकेट ही पानी था, जिसे देखकर वहां खड़े लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और लोगों की भीड़ उग्र होने लगी। किसी तरह उन्हें समझाया गया, तब तक आग और ज्यादा फैल गई। तभी चांदूर बाजार पुलिस को खबर मिलते ही पुलिस मदद के लिए पहुंच गई। आग को देखते हुए ही PSI शरद भमसे ने 4 लाइन रोड का काम कर रहे इन्फर कंपनी के ठेकेदार से कॉन्टेक्ट कर पानी के टैंकर मंगवाकर अग्निशामक की गाड़ी जो खाली हुई थी उसमें भरकर आग को बुझाया गया। तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उसके बाद अचलपुर के अग्निशामक भी पहुंच गए। अगर ये आग पर जल्द काबू नहीं पाया जाता तो 17 मंडी से लगी प्रेंडस कॉलोनी भी इसकी चपेट में आ जाती। वहां खड़े लोगों ने जान की परवाह न करते हुए आग को बुझाने में मदद की है। यह साफ है कि अगर पालिका की दमकल गाड़ियां समय पर पहुंचती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता।